हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ड्राउस एनिमेट पर। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट पर मटेरियल अप्लाई करना चाहिए आपको। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको एक प्लेन ऑब्जेक्ट पर मटेरियल असाइन करके दिखाने वाला हूँ। तो फर्स्ट तो अभी हम लेफ्ट साइड वाले व्यू पोर्ट पर जाते हैं एंड इसमें हम प्लेन को ऐड करते हैं एंड फिर मैं आपको इस प्लेन पे इमेज ऐड करके दिखाऊंगा। तो फिर अब आप क्या कर सकते हो कि इसे हम थोड़ा स्केल डाउन करते हैं एंड थोड़ा इस तरह से इसे हम अब हम ऑल डब्ल्यू प्रेस करेंगे एंड फिर हम इस बटन पे आप क्लिक करके रखिए। आप इस बटन पर क्लिक करके रख सकते हो कि यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। तो जो फर्स्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है आप इस पर क्लिक कर दीजिए जिससे कि हमारा मटेरियल एडिटर ओपन हो सके। एंड जो सेकेंड ऑप्शन आपको दिख रहा होगा वो नोड मटेरियल के लिए है। तो आज हम मटेरियल एडिटर पे ही सिखाएंगे और आपको बताएंगे कि कैसे आपको कोई भी मटेरियल को इस ऑब्जेक्ट पे असाइन करना है। तो फिर अब हम यहाँ पे किसी भी एक मटेरियल को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फिर हम फर्स्ट मटेरियल को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप यहाँ पे डबल टैप करोगे तो ये मैग्नीफाई हो जाएगा। तो अभी हम इसे मैग्नीफाई करेंगे मटेरियल को देखने के लिए। तो अब आप डिफ्यूज का ऑप्शन देख सकते हो और यहाँ पे आपको एक टिक बॉक्स दिखाई दे रहा होगा। आप सिर्फ इस पर क्लिक कर दीजिए एंड फिर आपको बिटमैप का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। आप बिटमैप के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए एंड जो इमेज आपको सिलेक्ट करना है वो इमेज आप ले सकते हो। तो अब हम उस इमेज को इसमें ओपन करेंगे। तो अब हम ये और इमेज लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि आपकी इमेज अप्लाई हो गया है। फिर आपको क्या करना है कि आपको शो इन शेडेड मटेरियल रिपोर्ट एंड इसे आप असाइन करेंगे। तो देख सकते हो कि आप जो मटेरियल और जो इमेज हमने लिया था वो इस प्लेन पे दिखाई दे रहा है। तो अब हम मटेरियल एडिटर को क्लोज कर देते हैं एंड ऑल डब्ल्यू प्रेस करेंगे। उसके बाद हम लेफ्ट साइड के व्यू पे जाएंगे और आपको वायर फ्रेम दिख रहा होगा, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आप डिफ़ॉल्ट शेडिंग पे क्लिक कर सकते हो ताकि वो इमेज हमें लेफ्ट साइड व्यू पे भी दिखाई दे सकता है। इसका मतलब कि हम इस इमेज को थर्ड क्वाड्रेंट में भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, यही बेसिक था कि आप किस तरह से एक मटेरियल को एक ऑब्जेक्ट के ऊपर या कह लीजिए कि इमेज को एक ऑब्जेक्ट के ऊपर असाइन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसको एडवांस में बताऊंगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक बटन दबाना मत भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।